जय श्री कृष्ण। मैं अनुपमा। मेरे बचपन में बहुत श्रीदेवी जी की फिल्में देखी हैं, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। हमारे टाइम की सभी लड़कियों को तो श्रीदेवी जी बहुत 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 अच्छी लगती थी। मैंने उनकी मिस्टर इंडिया देखी है, नगीना देखी है, नगीना टू भी देखी है, और लाडला देखी है, हिम्मत वाला, मवाली सब देखती थी। उसके बाद शादी हो गई, फिर नहीं देख पाई, पर मुझे श्रीदेवी जी बहुत अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है। तो उस दिन रात को जब देवी का आईन है और उसने हवा हवाई चलाई, तो मेरे अंदर जैसे ऐसे कुछ अपने आप ऐसे करंट आ गया और मैंने वो डांस किया। बिल्कुल उनकी तरह नहीं था, श्रीदेवी जी की तरह नहीं था, लेकिन एक छोटी सी श्रद्धांजलि थी उनके लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दर्शकों को मेरी ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके लिए पसंद आए। देखते रहिए हाँ हमारी कहानी स्टार प्लस पर रात 10 बजे सोमवार से शनिवार। अनुपम, जय श्री कृष्ण। श्रीदेवी जी वॉज अ अल्टीमेट, आई मीन द गॉड ऑफ एक्टिंग। अगर मैंने थोड़ा बहुत एक्टिंग के बारे में, कैमरा फेस करने के बारे में कुछ भी सीखा है, तो उनकी फिल्में देख देख कर। शी वॉज अ टोटल अकेडमी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्टिंग। एंड चाहे वो उनकी हिम्मत वाला हो या मवाली हो या यू नो चांदनी, लम्हे, चालबाज, लाडला, फिर और मिस्टर इंडिया तो है ही। मतलब मिस्टर इंडिया तो इतनी बार देख चुकी आई थिंक। मेरे बच्चे को जो पहली फिल्म मैंने दिखाई है वो है मिस्टर इंडिया। एंड मेरे लिए शी वॉज अल्टीमेट। जब इंग्लिश उन्होंने किया, आई नो आई गॉन लाइक फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी है मैंने थिएटर में जाके। उनकी हर फिल्म मैंने कम से कम 25 से 30 बार देखी ही है। और सत्यम थिएटर घर के सामने होता था, तो लम्हे तो मैंने, बाप रे, आई थिंक मैंने कुछ 18 बार मैंने लम्हे देखी थी। चांदनी मैंने कुछ यू नो 10-15 बार देखी थी। आई हैव सीन ऑल हर फिल्म्स ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। अब टीवी, वीडियो और ये सब की सहूलियत है, तो अब इजी हो जाता है आपके यू नो वो क्या कहते हैं हॉटस्टार वगैरह पे देखने के लिए। सो इट्स कन्वीनियंट कि मैं कभी भी ऐसे लो फील करती हूँ तो मैं श्रीदेवी की फिल्म चला के ऐसे देख लेती हूँ। आई एम सो इन लव विथ हर। अनफॉर्चुनेटली यू नो शी इज़ गॉन टू सून। मैं बहुत रोई उस दिन जिस दिन रात को, एज वन ऑफ अ मैनी 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 ऑब्सेस्ड फैंस टू पे लास्ट रिस्पेक्ट्स टू हर। एंड मुझे जब राजन शाह जी ने ये मौका दिया, अनुपमा की जो क्रिएटिव टीम है, जो राइटर्स हैं, उन्होंने जब मौका दिया कि हवा हवाई पे परफॉर्म करना, ये गाना ऐसा था कि हर बर्थडे पार्टी में, हर जगह पे ना, कहीं भी कुछ भी होता था, मैं डांस करूं, जब हम छोटे छोटे थे, मैं डांस करूं, तो कौन सा गाना, तो वो हवा हवाई चलता था, नगीना। ओ माई गॉड, मैंने नगीना कम से कम 27 बार देखी हम थिएटर में। और वो मैं तेरी दुश्मन करती थी हर जगह पर, मैं ऐसे, मुझे लगता था कि मैं नागिन ही हूँ, ऐसे ही करके घूमती थी। और हवा हवाई बस, ओ माय गॉड। और यहाँ अनुपमा में वो मौका मिला कि मैं उस गाने पे डांस कर सकूँ। भले ही हमने वो गाना यू नो दो घंटे में जल्दी जल्दी जैसे टेलीविजन में होता है वैसे किया, लेकिन जस्ट दैट होल थिंग ऑफ बीइंग एबल टू जस्ट लिप सिंक टू द सॉन्ग दैट शी सैंग वॉज सच अ हाई फॉर मी। I can't even tell you the feeling, matching steps were so, बहुत दूर की बात, श्रीदेवी के आसपास भी कोई नहीं आ सकता। मतलब उनकी 1% भी शायद मैं उनके, मैं क्या कहूँ कि I can't even be 1% of what she was. श्रीदेवी सरोज खान ultimate combination. And हमने थोड़ी मस्ती की है इसमें हवा हवाई गाने में।